नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे ये वाले फ्री वाले टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और यूपी पीसीएस 2020 के मेंस के लिए हमारे दो प्रोग्राम चल रहे हैं। एक 80 डेज डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें चार क्वेश्चन पर डे दिए जाएंगे और पूरा उसका कंप्लीट फीडबैक मिलेगा। और दूसरा जो है ऑफिशियल टेस्ट सीरीज होगी, जिसमें 12 फुल लेंथ जीएस के पेपर दिए जाएंगे, उसके फुल लेंथ आंसर दिए जाएंगे और कंप्लीट जो है पूरी चेकिंग होगी। 20-20 क्वेश्चन होंगे हर पेपर में, ठीक है? जैसे ऑफिशियल पेपर आता है वैसे ही होगा और कंप्लीट चेकिंग होगी, कंप्लीट मॉडल आंसर मिलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9696060898560। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ सिंह, वेलकम टू दिस न्यू इनिशिएटिव। यहां हम यूपी पीसीएस जीएस मेंस के सिलेबस को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले हमारे 5 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आप यूपी पीसीएस, यूपीएससी, बिहार पीसीएस और अदर एग्जाम्स के लिए कई सारे प्रोग्राम्स जो चल रहे हैं उनकी जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। हमेशा की तरह पहले हम सारे क्वेश्चंस का एक ओवरव्यू लेंगे, उन क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है इसकी जानकारी लेंगे और फिर हर एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। भारतीय समाज और संस्कृति पर वैश्वीकरण के प्रभाव का विश्लेषण करें। एनालाइज करना है, विश्लेषण करना है, ठीक है? क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या निगेटिव पड़ रहा है, दोनों को चीज़ को आप बस एनालाइज कर लो आप, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंट डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। आज की डेट में हमारी एक फॉरेन पॉलिसी हर कंट्री की होती है, इस फॉरेन पॉलिसी को क्या डिटरमाइन करता है, इसके कुछ निर्धारक होंगे। क्या निर्धारित करेगा कि हमारी पॉलिसी का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, पॉलिसी के अंदर क्या क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3, डिजास्टर मैनेजमेंट से मैंने आज एक क्वेश्चन लिया है। पहला क्वेश्चन है सेंडाई फ्रेमवर्क। ये जो सेंडाई फ्रेमवर्क है ये क्या है? सेंडाई फ्रेमवर्क से पहले भी हमारे पास डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कुछ और प्रोविजंस थे, कुछ और फ्रेमवर्क्स थे, उनका नाम बताना है और सेंडाई उनसे कैसे अलग है, ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4, जीएस फॉर एथिक्स है। हमारे ही क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है सिलेबस का है, सिलेबस में एक पॉइंट है कि जो वैल्यूज़ होती हैं एक सिविल सर्वेंट के लिए, क्या वैल्यूज़ इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपके हिसाब से क्या चार वैल्यूज़ एक सिविल सर्वेंट के लिए ज़रूरी है। आप कोई भी चार वैल्यू चुन सकते हो और आपको बताना वाई सो, ऐसा क्यों, आपको क्यों लगता है, ठीक है? अभी हम पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 1, जी सोसाइटी, ठीक है? क्वेश्चन 1 है, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। भारत की समाज और संस्कृति पर वैश्वीकरण के प्रभाव का विश्लेषण करना है आपको। क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है, क्या निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, या फिर न्यूट्रल रह गया, जो भी इम्पैक्ट रहा है आप उसको एनालाइज कर दीजिए, ठीक है? देखिए, आपके सिलेबस का पार्ट है ग्लोबलाइजेशन सोसाइटी में, तो ग्लोबलाइजेशन के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, वैश्वीकरण आपके टॉपिक में है तो वैश्वीकरण से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसका इम्पैक्ट, वैश्वीकरण का इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ सकता है, सोसाइटी पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि समाज पर क्या असर पड़ रहा है। दूसरा, समाज की संस्थाएँ, ध्यान से सुनिएगा, सोसाइटी के इंस्टीट्यूशन, एक सोसाइटी में क्या क्या इंस्टीट्यूशंस होते हैं, फैमिली एक तरीके की संस्था ही तो है, रिलीजन, आपका स्कूल है, आप जहाँ रहते हो वो एनवायरनमेंट, ये सब क्या है, एक तरीके के इंस्टीट्यूशंस हैं, समाज की संस्थाएं हैं। तो क्वेश्चन आपका कई तरीके से पूछ सकता है ग्लोबलाइजेशन से लिंक करके, कि ग्लोबलाइजेशन और सोसाइटी को जोड़ते हुए सवाल बनेगा। तो पहला बन सकता है कि भाई कास्ट सिस्टम पर क्या असर पड़ रहा है, आज का सवाल जैसे सोसाइटी पर क्या असर पड़ रहा है, कल्चर पे क्या असर पड़ रहा है, ठीक है? ग्लोबलाइजेशन का इंडिया पे एज अ होल क्या असर पड़ रहा है, ठीक है? इस तरीके से क्वेश्चंस कई सारे बन सकते हैं। हमने इससे पहले ग्लोबलाइजेशन और वेमेन का क्वेश्चन किया हुआ है, तो मेरा उद्देश्य ये है कि ग्लोबलाइजेशन के साथ या वैश्वीकरण के साथ जितने भी पॉसिबल टॉपिक्स बन सकते हैं मैं उनको आपको क्वेश्चन के थ्रू करवा दूंगा, ताकि आपकी एक नोट्स तैयार हो जाए। तो आज हम डिस्कस करेंगे ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट सोसाइटी और कल्चर पे, ठीक है?
हमारे समाज और संस्कृति पर क्या असर पड़ रहा है। हमेशा की तरह पहले एक डेफिनेशन लिखने की कोशिश करते हैं। डेफिनेशन में क्या करना है, आपको पता है ग्लोबलाइजेशन को जोड़ना है किसी सोसाइटी और कल्चर से, इसी तरीके कोई डेफिनेशन लिख दो। तो मैंने बहुत सिंपली ग्लोबलाइजेशन और सोसाइटी को जोड़ा है। कैसे लिखा है, ग्लोबलाइजेशन है क्या, सीमलेस फ्लो ऑफ गुड्स पीपल एंड आइडियाज़, ठीक है, हिंदी में वस्तु विचारों और लोगों का अबाध्य प्रवाह, वैश्वीकरण है, ये हो गया वैश्वीकरण। फिर मैंने लिखा है इट हैज़ इम्पैक्टेड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, इसने हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया है जिसमें हमारा समाज और संस्कृति भी शामिल है। इस तरीके से मैंने सोसाइटी कल्चर और ग्लोबलाइजेशन को जोड़ के एक डेफिनेशन लिख दी या एक इंट्रोडक्शन लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना चाहिए या आप इससे अच्छा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन के अलग पार्ट पे कि भाई इम्पैक्ट क्या रहा है। तो देखिए दो तरीके से आप इस आंसर को लिख सकते थे, आप ये इस तरीके से लिख सकते हो कि भाई पॉजिटिव इम्पैक्ट निगेटिव इम्पैक्ट। आप डायरेक्ट बना दो, पहले ही एक फ्रेमवर्क क्रिएट कर दो आप आंसर में, शुरुआत से ही आप पॉजिटिव कि क्या भाई पॉजिटिव क्या क्या उसके असर पड़े हैं, क्या निगेटिव असर पड़े हैं, इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हो। दूसरा जो मैंने लिखा है पॉइंट वाइज आप लिख दो, ठीक है। तो पहला क्या असर पड़ा है, होमोजिनाइजेशन, होमोजीनियस मिक्सचर आपको पता होगा, एक होता है हेटरोजीनियस मिक्सचर, एक होमोजीनियस मतलब समान रूप से बटा हुआ, होमोजीनियस, ठीक है, सब कुछ आपस में मिल चुका है, होमोजीनियस मिक्सचर मतलब एक रूपता आ चुकी है। तो एक रूपता ग्लोबलाइजेशन के थ्रू कैसे आई है, आप देखो इसका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरीके से आप सोच सकते हैं, मैं बताता हूँ। एक रूपता आ गई है आज की डेट में, जो हमारे ग्लोबल वैल्यूज़ हैं, ग्लोबल या वैश्विक मूल्य जो हैं, ठीक है, वो एक होते जा रहे हैं। हम कई सारे टॉपिक्स पर, कई सारे विषयों पर एक जैसा सोच रहे हैं। इंडिया में जो आपके थॉट चल रहे हैं वही अमेरिका में भी चल रहे हैं। सब लगभग मानते हैं कि ह्यूमन राइट्स होना चाहिए और उसके लिए आपको संस्थाएं भी मिलती हैं, यूनाइटेड नेशन है। तो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है कि आज हमारे थॉट्स में, हमारे विचारों में एक रूपता आ गई है। अभी एक रूपता सिर्फ विचारों तक नहीं सीमित है, ये ग्लोबल लेवल पे इंटरडिपेंडेंस बढ़ रहा है, एक दूसरे के ऊपर जो हर कंट्री का लोगों का अंतर निर्भरता या परस्पर निर्भरता बढ़ रही है, परस्पर निर्भरता, ठीक है, परस्पर निर्भरता बढ़ रही है। उसके अलावा परस्पर संबंध बढ़ रहे हैं कई कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है। तो इन दोनों की वजह से हो क्या रहा है, एक रूपता आ रही है। तो ग्लोबलाइजेशन का सोसाइटी से कैसे जुड़ा, ये पॉइंट सोसाइटी से ऐसे जुड़ा कि अमेरिका में मॉल कल्चर चला कि हम मॉल से सामान खरीदेंगे, इंडिया में भी वो चीज़ आ चुकी है, छोटी दुकानें क्या हो रही हैं, विलुप्त होती जा रही हैं, उनके यहाँ बिजनेस नहीं है। तो एक तरीके का एक रूपता आ गई सोचने के तरीके में, उसने इंडिया की जो अमेरिका के हिसाब से जो फिट था मॉल कल्चर, वो इंडिया के हिसाब से ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया में ये तरीके की सोच पनप रही है आज की डेट में। तो ऐसे लोगों का नुकसान हो रहा है जो छोटी दुकानें चला रहे हैं, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा क्या कि ये एक रूपता किस तरीके से समाज को इफेक्ट कर रही है। दूसरा एग्जांपल एक रूपता का आपको दिखेगा घरों के स्टाइल में, या एक डाइनिंग टेबल का कॉन्सेप्ट आपने देखा हो, डाइनिंग टेबल हमारे यहाँ पहले तो हमें नहीं लगता कि एक डाइनिंग टेबल टाइप कोई सिस्टम था, ज़मीन पर बैठ के हम खाते थे, एक पीढ़ा लगा के खाते थे, आज एक डाइनिंग टेबल का सिस्टम है। ये क्या दिखा रहा है आपको कि कहीं ना कहीं हमारे सोचने का तरीका ग्लोबलाइजेशन ने बदला है। तीसरा है क्लोदिंग स्टाइल, जीन्स पहन रहे हैं, ठीक है, जीन्स हमारी खुद की डेवलपमेंट नहीं है, इंडिया की डेवलपमेंट नहीं होगी, ठीक है। ब्रांड की संस्कृति चल रही है, ब्रांड ही पहनना है, एलन सॉली या कोई बाहर की कंपनी का पहनना है, ठीक है। तो आपको क्या दिखा रहा है कि ग्लोबल लेवल पे जो दुनिया कर रही कहीं ना कहीं हम भी करने लगे हैं। अब ये पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है वो आप लिख सकते हैं, लेकिन ये एक इम्पैक्ट पड़ा है कि हमारे सोचने के तरीके में एक रूपता आ गई है। दूसरा पॉइंट सोसाइटी का क्वेश्चन है, तो सोसाइटी के बारे में आप कैसे सोचेंगे लिखने के लिए कि सोसाइटी के लिए, जब भी आप सोसाइटी सोचते हो, आप समाज सोचते हो, आपके अंदर जो भी दिमाग में आता है, जैसे कास्ट आती है, वीमेन आता है आपके अंदर, रिलीजन आता है, ठीक है, आप फैमिली के बारे में सोचते हो, इन सब पर आप अलग अलग सोचो कि भाई इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, इसके ऊपर, इस तरीके से आपका एक आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमने लिखा कि एक रूपता आ गई। कास्ट सिस्टम पे क्या असर पड़ा, देखिए ग्लोबलाइजेशन आया,
उसकी वजह से शहरीकरण अर्बनाइजेशन बढ़ा, ठीक है। अर्बनाइजेशन मतलब शहरी एरियाज में क्या बढ़ी, नौकरी बढ़ी, लोग वहाँ से गाँव से मूव किए। तो शहर में कोई एक दूसरे को जानता तक नहीं है, कौन आपके बगल में रह रहा है आपको नहीं पता। तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर जो कास्ट सिस्टम था, जाति प्रथा थी, वह क्या हुई, कमज़ोर हो गई। तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है ग्लोबलाइजेशन का हमारी सोसाइटी पे, कि कास्ट सिस्टम क्या हुआ, कमज़ोर हो गया। क्यों हुआ, अर्बनाइजेशन, ठीक है, और सोसाइटी में जो चेंजेस हो रहे हैं उनकी वजह से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या पड़ा, विमेन का रोल। विमेन में क्या, विमेन के लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बढ़ रही हैं, आर्थिक उनके लिए जो मतलब ऑप्शंस है वो बढ़ रहे हैं। दूसरा क्या हो रहा है, इनका राइट्स, विमेन राइट्स के लिए अगर अमेरिका में कोई लड़ाई लड़ी जा रही है तो उसका इम्पैक्ट आपको इंडिया में भी देखने को मिलेगा। तो ये ग्लोबलाइजेशन ने कहीं ना कहीं विमेन की राइट्स को, विमेन की अपॉर्चुनिटीज़ को, उनके अधिकारों को और उनके लिए जो ऑप्शंस हैं उसको क्या किया है, बढ़ाया है। जैसे अब हमने सुना है मीटू मूवमेंट के बारे में, इंडिया से शुरुआत नहीं हुई लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू ये इंडिया में भी आया, और इंडिया में भी जो ऐसी महिलाएं थीं जिनके साथ कुछ गलत हुआ था और जो बोल नहीं सकती थी या किसी भी कारणवश इस बात को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी, कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन की ही देन थी। आप सोशल मीडिया भी कह लो लेकिन ग्लोबलाइजेशन की ही देन है कि आज वर्ल्ड इतना कनेक्टेड है, और उसकी देन की वजह से इन लोगों ने अपनी बात उठाई और कई लोगों को फिर इसकी वजह से जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ फिर कार्रवाई शुरू हुई। दूसरा क्या, ग्रेटा थुनबर्ग के बारे में आपने सुना होगा, इन्वायरमेंट की क्या है, एक्टिविस्ट हैं, ठीक है, ग्रेटा थुनबर्ग जी। अब इंडिया के ग्रेटा थुनबर्ग कौन निकली, जब दुनिया को पता चला कि ऐसी ग्रेटा थुनबर्ग कोई हैं, तो इंडिया में भी एक बच्ची है जिसके बारे में ग्लोबलाइजेशन के थ्रू ही सबको पता चला, स्पेन वो गई COP25 में, ठीक है, UNFCCC के COP25 में हो गई थी, मणिपुर की हैं, नाम क्या है इनका, नाम है लिसी प्रिया, इनका नाम है लिसी प्रिया केंगुजर्म, ये देखिए कंगुजम, ठीक है, लिसी प्रिया कंगुजम, 8 साल की हैं ये, और इनको इंडियन ग्रेटा थुनबर्ग कहते हैं। तो आप देख क्या रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन ने कहीं स्टेटस, महिलाओं की जो स्टेटस है, उनकी भूमिका और उनकी स्थिति में क्या किया है, सुधार किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फैमिली, हमने कास्ट पढ़ लिया, विमेन पढ़ लिया, फैमिली, फैमिली में क्या चेंजेस हुए ग्लोबलाइजेशन की वजह से। फैमिली में देखिए, पहले हम रहते थे न्यू ज्वाइंट फैमिली में, ठीक है, संयुक्त परिवार, अब कहाँ जा रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली या एकल एकल परिवार। शहरों में जाएंगे, माँ बाप गाँव में रह गए, शहर में मूव कर गए काम के लिए, यहाँ पर अपने वाइफ के साथ और अपने बच्चों के साथ, तो एकल परिवार, तो हम ज्वाइंट फैमिली से एकल परिवार की तरफ मूव कर रहे हैं। फैमिली में और भी कई चेंजेस हुए हैं, फैमिली वाले पॉइंट में ही आप लिख सकते हो कि फैमिली में वुमेन का रोल अब बढ़ गया है। एकल परिवार का एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी तो है, गांव में महिलाएं रहती हैं पूरे ज्वाइंट फैमिली में, हो सकता है उनसे जो फैमिली के मेजर डिसीजंस हैं, घर का परिवार का कोई एक डिसीजन लेना है, हो सकता है उनसे उनकी राय ना मांगी जाए। लेकिन अगर एकल परिवार में वही महिला शहर में रह रही है, तीन ही लोग रह रहे हैं उस घर में, तो ये बहुत चांसेस यही हैं कि जब कोई घर का मेजर डिसीजन लेना होगा तो उस महिला से कंसल्ट किया जाएगा। तो ये भी एक तरीके से आप बोल सकते हो कि महिला का रोल और महिला की स्थिति में सुधार हुआ है, ठीक है। तो फैमिली स्ट्रक्चर में हमने दो चीज़ें पढ़ी, क्या कि भाई पहले ज्वाइंट था अब न्यूक्लियर हो गया, या संयुक्त से एकल परिवार की तरफ आप जा रहे हैं। दूसरा क्या पढ़ा कि महिला की स्थिति में इस एकल परिवार में क्या होगा, बहुत चांस है एक सुधार हो, और नेगेटिव्स भी हैं लेकिन ये भी पॉसिबल है कि सुधार होगा, ये फैमिली लेवल पे आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ये आप जोड़ सकते हो कि ग्लोबलाइजेशन ने कहीं ना कहीं, अगर आप एकल परिवार की बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो ओल्ड लोग हैं इंडिया के, उनके लिए बुराई हो गई। क्यों, क्योंकि इंडिया में पावर्टी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और जो यंग लोग हैं उनके लिए जॉब तो है ही नहीं, बूढ़े लोग के लिए क्या होगा। बूढ़े लोग के लिए हमारा जो कंट्री है ना वो एक्सेसिबल भी नहीं है, मतलब बहुत ऐसी आप देखते होगे कि हैंडीकैप लोग जो हैं, जो विकलांग हैं या ओल्ड हैं, उनके लिए किसी भी पब्लिक प्लेस को एक्सेस करना कितना कठिन है, ठीक है। तो उनके लिए आप एक पॉइंट यहाँ से लिख सकते हो कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से फैमिली जो अगर एकल हो रही है तो उसकी वजह से ओल्ड लोगों को भी समस्या हो रही है, ये एक पॉइंट आप लिख सकते हो। क्वेश्चन एनालाइज है, आप बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हो, बस सोचने का तरीका आपका ये होना चाहिए कि
सोसाइटी पे अगर क्वेश्चन है तो सोसाइटी के जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो फैमिली पे बनेगा या तो आंसर, कास्ट पे, रिलीजन पे, इस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। पॉइंट्स आप बन जाएंगे। फैमिली हो गया। फेस्टिवल्स, आपने देखा होगा कि इंडिया का होली, इंडिया का दिवाली पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, तो ये ग्लोबलाइजेशन का एक पॉजिटिव पॉइंट है कि हमारे उसने हमारे कल्चर को दुनिया के सामने रखा है, ठीक है, एक ये पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिलीजन। देखिए रिलीजन में एक फ्लेक्सिबिलिटी लाई है। अभी नवरात्रि चल रहा है, हर कोई 9 दिन का व्रत तो नहीं ही होगा, ठीक है, और एक रैशनैलिटी लाई है। दोनों का मतलब क्या होता है, तर्कसंगतता और लचीलापन। आप उन चीज़ों को क्वेश्चन करोगे, तर्कसंगत हो गए, आप उन चीज़ों को क्वेश्चन करोगे, उन चीज़ों के खिलाफ सवाल उठाओगे जो आपके हिसाब से, जो आपकी सोच के हिसाब से, जो आपको साइंटिफिक नहीं लगता है, जो आपको लगता है कि पूर्ण रूप से अंधविश्वास है, तो ऐसे आप करोगे तो जो ऐसा करके आप रिलीजन को चोट नहीं पहुंचा रहे हो, ऐसा करके आप रिलीजन को और स्ट्रांग कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो उसकी कुरीतियाँ हैं ना वो ख़त्म आप कर रहे हैं। तो रिलीजन को तर्कसंगत और उसके अंदर लचीलापन लाने का एक काम किया है ग्लोबलाइजेशन ने, इस पर आप लिख सकते हैं डिटेल में। फिर क्या, योगा। योगा को एक इंटरनेशनल पहचान दी है किसने, ग्लोबलाइजेशन ने, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, क्लैश ऑफ वैल्यूज़, मतलब मूल्यों का टकराव, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये निगेटिव पॉइंट आप लिख सकते हो। देखिए मैंने एक लेक्चर में और बताया था कि भारत जो है ना वो ट्रांजिशनल सोसाइटी है, ट्रांजिशन, एक मिनट, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब क्या होता है, संक्रमण। संक्रमण का मतलब क्या होता है कि ये सोसाइटी एक पॉइंट और दो पॉइंट, ये पॉइंट है, ये दो इस्टेब्लिश्ड पॉइंट्स हैं ए और बी, इन दोनों के बीच में कहीं है। मतलब पहले हमारी सोसाइटी मान लो एक इस्टेब्लिश पॉइंट ट्रेडिशनल सोसाइटी था, दूसरा क्या है मॉडर्न, तो हमारी सोसाइटी कहीं पहले ट्रेडिशनल थी, अब मॉडर्न की तरफ बढ़ रही है, ये नहीं कि हम पहुंच चुके हैं, यानी कि इन दो पॉइंट्स के बीच में कहीं है। ऐसी चीज़ों को हम ट्रांजिशन कहते हैं। तो हमारा ट्रांजिशन फेज में हमारी सोसाइटी है, ठीक है। जब भी आप कोई ट्रेडिशनल से मॉडर्न की तरफ बढ़ोगे, ठीक है, एक के ये ट्रेडिशनल लोग जो हैं वो जाहिर सी बात है आपको चैलेंज करेंगे, आपके चेंजेस को, आपके आइडियाज़ को चैलेंज करेंगे। ये हो रहा है इंडिया की सोसाइटी में, बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर यही है। मॉब लिंचिंग आपको अगर देखने को मिल रही है इंटर कास्ट मैरिज की वजह से, इंटर रिलीजियस मैरिज की वजह से, ठीक है, या LGBT की वजह से, गे मैरिजेस की वजह से ऐसा कर दिया किसी ने, या कास्ट के बेसिस पर ही हो रही है, तो क्यों हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ट्रांजिशनल सोसाइटी की देन है कि इन लोगों को, जो ट्रेडिशनल लोग हैं उनको ये पसंद नहीं आ रहा है कि सोसाइटी इतनी तेज़ी से चेंज कर रही है, और ये रियलिटी है, ये आप लिख सकते हो पॉइंट, ठीक है। क्लैश ऑफ वैल्यूज़ हो रही है, इसकी वजह से मूल्यों का टकराव हो रहा है। ट्रेडिशनल लोगों के, जो पारंपरिक लोग हैं, रूढ़िवादी लोग हैं, उनके मूल्य अलग हैं, मॉडर्न लोग के मूल्य अलग हैं, दोनों के बीच में टकराव होगा, ये हो रहा है इंडिया में। तो ग्लोबलाइजेशन की एक देन ये भी है कि क्लैश ऑफ वैल्यूज़ हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन की वजह से LGBT को अलाउ कर दिया, ठीक है, इंटर कास्ट मैरिज, लोग अर्बनाइजेशन हुआ, शहरों में आ रहे हैं, कौन किस जात का है ये शायद ही मैटर करता है, रिलीजन नहीं मैटर करता है। शादियां हो रही हैं जो दो कास्ट के बीच में, डिफरेंट कास्ट, दो रिलीजन के बीच में, ऐसे रिलीजन इंटर रिलीजियस मैरिज को, और लिव इन रिलेशनशिप अलग, तो ऐसी चीज़ों को जो हमारी ट्रेडिशनल सोसाइटी है ना वो एक्सेप्ट नहीं करती है। जब वो एक्सेप्ट नहीं करेगी तो क्या होगा, आपके मूल्य अलग हैं, हमारे मूल्य अलग हैं, इन दोनों मूल्यों में क्या हो रहा है, टकराव हो रहा है। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से कहीं ना कहीं मूल्यों का टकराव वाली स्थिति कंट्री में बनी हुई है, ठीक है। फिर क्या, एक है हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज, हमारे पारंपरिक ज्ञान जो हैं, जैसे हमको खुद को पता है, कोरोना आया सबको पता था कि भाई काढ़ा पियो, घर में हमें अभी भी सर्दी जुकाम होता है, लोग कहते हैं काढ़ा पियो, काढ़े से आराम मिलेगा, ठीक है, तो हमने यही चीज़ कोरोना टाइम में भी की। इसके अलावा हम अपने यहाँ खुद ही बहुत पहले से, हम बचपन से ही नीम, तुलसी, हल्दी, दूध हल्दी, इनका प्रयोग करते रहते हैं। जब भी हम कोई बीमार करते हैं इनको हम घरेलू इलाज के रूप में बोलते हैं, है ना। अब हुआ क्या, ग्लोबलाइजेशन के बाद एक ट्रेंड देखने को मिला कि जो हमारी ये ट्रेडिशनल नॉलेज है ना, इसको कहीं ना कहीं वेस्टर्न सोसाइटी में कई कंट्रीज़ ने कोशिश की पेटेंट कराने का,
तो हमारा जो नॉलेज है, हमारा जो पारंपरिक ज्ञान है, हमारी जो बौद्धिक संपदा है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उसको कहीं ना कहीं चोरी करने की कोशिश की गई। आपको ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं हमारा जो ये ग्लोबलाइजेशन के थ्रू हमारा ये ट्रेडिशनल नॉलेज सबको पता चला और इसको चोरी करने की कोशिश की जा रही है। तो ग्लोबलाइजेशन का एक निगेटिव इम्पैक्ट हमको ये देखने को मिला, लेकिन ये निगेटिव इम्पैक्ट भी नहीं है, इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। आप नियम लाओ, लॉ ले आओ, आपको ऐसा कन्वेंशन बनाओ ग्लोबल लेवल पे, है ना, और उसके थ्रू आप इस चीज़ को सही करो। तो ये अभी ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक जो चीज़ इशू हो रहा था वो आप लिख सकते हो कि हल्दी को पेटेंट कराने की कोशिश की गई थी। एक निगेटिव इम्पैक्ट ग्लोबलाइजेशन का कि भाई जो हैंडलूम्स होते हैं हमारे, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, लोकल क्राफ्ट्स हैं, ठीक है, हथकरघा के जो हैं, स्थानीय शिल्प हैं, उनको कहीं ना कहीं एक धक्का सा लगा। अमेरिका में बनी हुई चीज़ आज की डेट में इंडिया में बिक रही है, किसी और कंट्री चाइना में बना हुआ माल यहाँ बिक रहा है। दिवाली आने वाली है, दिवाली पे दिए, मिट्टी के दिए अब शायद ही ख़रीदता ही नहीं कोई, चाइनीज़ दिए लोग खरीद रहे हैं या चाइनीज़ LED से काम चला रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन ने क्या कर दिया, एक जो गरीब आदमी था उसका लोकल क्राफ्ट तो ख़त्म कर दिया। तो आपको मतलब अगर आप ध्यान से सोचो तो ऐसे बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से निगेटिव इम्पैक्ट भी हमारी सोसाइटी पे पड़ा है, इंडियन सोसाइटी और कल्चर पे पड़ा है, ठीक है। ये हो गया एक एनालिसिस ग्लोबलाइजेशन से जोड़ के, और सारे पॉइंट्स सोसाइटी के आप लिख सकते हो। अगर हम 4-5 क्वेश्चन ऐसे डिस्कस कर लें ग्लोबलाइजेशन को जोड़ के, कास्ट से, रिलीजन से, फैमिली से, और किसी और इंस्टीट्यूशन जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से, तो ऐसे 4-5 अगर आप पढ़ लो, ओल्ड एज पे क्या असर पड़ेगा, है ना, तो से फिर कोई भी क्वेश्चन आएगा ग्लोबलाइजेशन का, आप यहाँ का पॉइंट इधर उधर करके एक अच्छा आंसर लिख दोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की विदेश नीति के निर्धारक क्या हैं, डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। देखिए क्या क्वेश्चन पूछना चाहता है, फॉरेन पॉलिसी हमारे पास सारी कंट्री के पास है, ठीक है, इस फॉरेन पॉलिसी के का उद्देश्य क्या है, भाई इंडिया का इंटरेस्ट को फुलफिल करना, इंडिया के जो भी मतलब जिस भी चीज़ से इंडिया को फ़ायदा हो रहा है उसी चीज़ को करना, तो इस फॉरेन पॉलिसी को क्या डिसाइड कर रहा है, क्वेश्चन यही बनेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप खुद कभी सोचिए कि आज की डेट में इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी उसको क्या ड्राइव कर रहा है, आखिर ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वो फॉरेन पॉलिसी बनी हुई है, है ना, तो इस पर एक क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहले हम लिखेंगे फॉरेन पॉलिसी के डेफिनेशन से मैंने शुरू कर दिया है कि फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ कंट्री इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज एंड प्रोसेसेस, एक्टिविटी प्लस प्रोसेस विच हेल्प अ नेशन टू अचीव क्या, नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है, या ओन इंटरेस्ट। 4 पॉइंट्स हैं इस डेफिनेशन के, एक्टिविटी या प्रोसेस होते हैं जो हेल्प करते हैं हमको अचीव करने में हमारे नेशनल इंटरेस्ट, यही है फॉरेन पॉलिसी, सिंपल डेफिनेशन हिंदी में। किसी देश की विदेश नीति उन सभी गतिविधियों और प्रक्रियाओं को जोड़ के बनती हैं, ठीक है, गतिविधियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनके माध्यम से राष्ट्र अपने हितों को पूरा करता है। बस यही तो है फॉरेन पॉलिसी, ये डेफिनेशन पढ़ लीजिए याद हो जाएगी, सिंपल। अब देखिए इसके डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, निर्धारक क्या होते हैं, वो निर्धारक जो विदेश नीति को आकार देते हैं वो आंतरिक और बाह्य दोनों हो सकते हैं, मतलब देश के अंदर कुछ ऐसा चल रहा होगा, देश के अंदर के कुछ आपके आइडियाज़ होंगे, कुछ आपका कल्चर होगा जिनकी वजह से आपकी फॉरेन पॉलिसी बनती है, या बाहर मतलब दूसरी कंट्री आपके साथ कुछ इस तरीके से बिहेव कर रही है कि आपको अपनी फॉरेन पॉलिसी में कुछ चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे लगता है आप समझ पा रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, ऐसे क्वेश्चन जब आए ना कि आपसे बहुत मोटा मोटा सवाल पूछ रहा है भाई कि डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, तो पूरा शुरू कर दो जितना ज्ञान है, हिस्ट्री से शुरू करो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, ठीक है, अभी देखिएगा आप इन्हीं से सवाल बन, इन्हीं से आंसर हम लिख देंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, सोसाइटी भी लिख सकते हो आप, ठीक है, इनसे आप बना लो आंसर, देखते हैं कैसे। पहला शुरू करते हैं हिस्ट्री, हिस्ट्री से क्या आपको पता है, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न का थोड़ा भी ज्ञान होगा तो आंसर लिखा जाएगा। पहला हिस्टोरिकल, वासुदेव को टंबुकम सबने सुना है भाई, पूरा विश्व एक परिवार है। अब जो कंट्री यह मानता है कि पूरा विश्व परिवार है उसकी फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी,
उसकी फॉरेन पॉलिसी ऐसी होगी कि यूनिवर्सल पीस चाहिए उनको, वैश्विक शांति चाहिए, ठीक है। तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, हम आज की डेट में भी इंडिया जो है वो एग्रेशन में बिलीव नहीं करता है, पहले कहीं अटैक नहीं करेंगे, कभी नहीं अटैक करेंगे, हम चाइना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा शुरू से हमारा कल्चर ऐसा डेवलप हुआ है कि हमको वसुधैव कुटुंबकम हम मानने वाले हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो आपके जो फॉरेन पॉलिसी के निर्धारक में एक पॉइंट क्या निकला, हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या आपका कल्चर, कल्चर बताता है कि वसुधैव कुटुंबकम हम मानते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, अच्छा इसी का एग्जांपल देखोगे आप कि हम वसुधैव कुटुंबकम मानते हैं तो इंडिया, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र की जो पीस कीपिंग फोर्स होती है ना, जो डिफरेंट कंट्रीज़ में पीस के लिए मेंटेन की जाती हैं, ऐसी फोर्सेस लगाई जाती हैं कि वहाँ पे शांति को बहाल किया जा सके, ऐसी फोर्सेस में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है इंडिया, ठीक है। सारे सबसे ज़्यादा इंडियंस वहाँ पर, उन दूसरे फॉरेन सॉइल्स पे पीस कीपिंग का काम कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन में। तो ये कहीं ना कहीं आपको क्या दिखा रहा है, वसुधैव कुटुंबकम और हमारी फॉरेन पॉलिसी को क्या डिसाइड कर रहा है, हमारा ये कल्चरल पार्ट, ये एग्जांपल के थ्रू मैंने समझाया। दूसरा क्या है, मिडिल पाथ, मिडिल पाथ या मध्यम मार्ग कहाँ से सीखा हमने, बौद्ध धर्म से सीखा है कि हम एक्सट्रीम्स पे नहीं चलेंगे। मध्यम मार्ग क्या, बीच का रास्ता। एक एक्सट्रीम क्या हो सकता है कि इतना अग्रेसिव हो जाओ कि चाइना टाइप हो जाओ, कि बगल वाली कंट्रीज़ को अटैक कर दो या उनकी टेरिटरीज पे बुरी निगाह डालो। दूसरा एक्सट्रीम क्या हो सकता है, दूसरा छोर क्या हो सकता है इसी चीज़ का, क्या कि हम इतने शांतिपूर्ण हो जाए कि हम पे कोई हमला भी कर दे तो हम अपना बचाव ना कर सकें। तो ये दोनों के बीच में हमको चलना है, ये है प्रैक्टिकल अप्रोच, ठीक है। और ये इंडिया फॉलो कर रहा है, कहाँ से सीखा हमने, हमारा कल्चर बुद्धिस्ट मिडिल पाथ यानी कि मध्यम मार्ग। तो आप देख रहे हो फॉरेन पॉलिसी हमारी जो भी है उसको कौन निर्धारित कर रहा है, ठीक है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, कौन सा आंदोलन, स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता, ठीक है। इसमें क्या, आप बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हो, मैंने बस तीन लिखे हैं या दो ही लिखे हैं, ठीक है। पहला क्या था, हम लड़ क्यों रहे थे अंग्रेजों से, क्योंकि हमें उपनिवेशवाद से, कोलोनियलिज्म से लड़ना था। तो हमने इंडियन नेशनल मूवमेंट से ये तो सीख लिया भाई कि हमने इसकी बुराइयाँ देख ली थी कि ये कोलोनियलिज्म कितनी गड़बड़ चीज़ है। तो फॉरेन पॉलिसी इंडिया की ऐसी बनी कि हम दुनिया में जहाँ भी कोलोनियलिज्म होता होगा उसके खिलाफ खड़े होंगे, उसका सपोर्ट तो कभी नहीं करेंगे, ठीक है। ये आपको देखने को मिला इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, कि उपनिवेशवाद के खिलाफ रहना है। तो फिर जब आज़ाद होते हैं हम तो गुट निरपेक्षता जिसको हम कहते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट्स आता, नैम, इंडिया और अदर कंट्रीज़ ने मिलकर नैम की शुरुआत की थी कि हम किसी का पक्ष नहीं लेंगे। एक तरफ यूएस था, दूसरी तरफ क्या था, यूनाइटेड यूएसएसआर था, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स और यूएसएसआर, इसके बीच में सारी कंट्रीज़ दुनिया की बढ़ रही थी शीत युद्ध के समय। इंडिया ने कहा नहीं, हम अभी आज़ाद हुए हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरू करेंगे, हम किसी की तरफ झुकेंगे नहीं, हमें किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए। आई मीन सपोर्ट लेंगे तो दोनों से लेंगे, लेकिन किसी एक का पक्ष नहीं लेंगे, ठीक है। इसको हमने क्या कहा कि हम किसी गुट में नहीं बटेंगे, उसी को हमने क्या कहा, गुट निरपेक्ष आंदोलन। हमें उपनिवेशवाद के खिलाफ रहना है और गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत करी भारत ने, ठीक है। जिसकी शुरुआत की गाइडेंस आपको कहाँ से मिला, मोटिवेशन आपके राष्ट्रीय आंदोलन के थ्रू। दूसरा क्या है, हम लड़ क्यों रहे थे भाई, हम लड़ रहे थे क्योंकि हमें डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पर चलना था, हमें लोकतांत्रिक मूल्यों के बारे में पता चला। लड़ाई करते करते हमें पता चला यार प्रेस कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मीडिया कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रेस की फ्रीडम ना हो तो कितना बुरा हो सकता है ना, बोलना कितना आवश्यक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच आई हमारी कंट्री में, हम अंग्रेज़ों से एक एक चीज़ हमने लड़ के ली है। तो हमें जो भी हमारे जो लोकतांत्रिक मूल्य है ना उनकी वैल्यू अच्छे से पता थी, इसलिए जब हम आज़ाद होते हैं तो हमारी फॉरेन पॉलिसी में एक प्रिंसिपल ये भी होगा कि हम डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स का सपोर्ट करेंगे, लोकतांत्रिक मूल्यों का सपोर्ट करेंगे। यहाँ से निकला हमारा ये प्रिंसिपल। अब इसका एग्जांपल आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, इंडिया हर उस चीज़ का अपोज करता है, हर इस चीज़ के विरोध में खड़ा होता है जहाँ पर लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन नहीं हो रहा है। जैसे नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी लेके आए लोग NPT, या न्यूक्लियर बॉम्ब से रिलेटेड थी CTBT, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। इन दोनों ट्रीटीज़ के थ्रू एक डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच अपनाई जाती, मतलब जो कंट्रीज़ ने कुछ एक पर्टिकुलर डेट से पहले न्यूक्लियर बॉम्ब का एक्सप्लोजन कर दिया उनको आप न्यूक्लियर पावर कह रहे हो, उसके बाद उस डेट के बाद वाली कंट्रीज़ को आप मानने को तैयार नहीं हो,
कि वो न्यूक्लियर पावर हैं और उनके ऊपर कई सारे आप रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो, तो ये क्या है, दोहरा आप क्या नाम है बिहेवियर कैसे कर सकते हो, है ना? तो ये डेमोक्रेटिक नहीं है, इसका इंडिया ने विरोध किया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या, अभी आपने सुना होगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल UNSC में परमानेंट मेंबर्स होते हैं 5, इंडिया इसमें घुसने की कोशिश कर रहा है। आज की डेट में इतना बड़ा, दुनिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन इंडिया में रहती है, उसके बाद भी इंडिया को परमानेंट सीट नहीं मिली हुई है, तो ये डेमोक्रेटिक कैसे हुआ भाई ये बॉडी यूनाइटेड नेशन? तो इंडिया यहीं से आपको देखने को मिलेगा कि इसलिए इंडिया इसका विरोध करता है और इंडिया इसको पार्टिसिपेटरी बनाने की मांग करता है, किसको, यूनाइटेड नेशंस को। तो ये भी प्रिंसिपल्स हमारे जो फॉरेन पॉलिसी के कहाँ से निकल रहे हैं, हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट की देन है। तो अभी तक हमने 3 चीज़ें पढ़ ली हैं, क्या क्या, पहले हमने पढ़ा हमारा हिस्ट्री, हिस्ट्री में बुद्धिज़्म पढ़ा था, वसुधैव कुटुंबकम पढ़ा था, फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं, आगे इंटरनल पॉलिटिक्स कैसे इफेक्ट करती है। आपको श्रीलंका और वहाँ पे LTTE, ठीक है, इसके बारे में पता हो। तो जब यहाँ पे श्रीलंकन तमिल्स, श्रीलंका में रहने वाले तमिल्स के खिलाफ वहाँ के सिन्हाली जो कि मेजॉरिटी में वहाँ के लोग हैं, सिन्हालीज ने जब यहाँ के श्रीलंकन तमिल्स के खिलाफ या तमिल्स को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, उनका शोषण किया, क्योंकि तमिल्स जो हैं वहाँ पर वो माइनॉरिटी हैं नंबर वाइज, तो इनको जब ये माइनॉरिटी हैं और इनका शोषण शुरू हुआ सिन्हालीज जो कि बुद्धिस्ट होते हैं, ठीक है, सिन्हालीज लोगों के द्वारा, तो ये तमिल्स लोग जो हैं इन्होंने क्या करा, आर्म्ड स्ट्रगल शुरू किया, ठीक है, मतलब सैन्य विद्रोह एक तरीके से कह सकते हो आप। तो ऐसे केस में इंडिया को, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, इंडिया की नेबरिंग कंट्री, बगल की कंट्री में इतना बड़ा क्राइसिस चल रहा है, तो इंडिया को कोई स्टैंड तो लेना था, ठीक है, या तो उनका सपोर्ट करना था या उनका विरोध करना था, जो भी करना था। तो यहाँ पे जो तमिल पॉपुलेशन थी श्रीलंका में, इनके सपोर्ट में इंडियन गवर्नमेंट खड़ी हो, इसलिए इंडिया के तमिलनाडु के तमिल्स ने इंडिया पे प्रेशर बनाया। तो आप ये देखोगे कि कहीं ना कहीं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है वो ये डिसाइड कर रही है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी। करतारपुर कॉरिडोर अभी खुला सिख भाइयों के लिए पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, ये भी आपको क्या दिख रहा है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, आपकी जो आंतरिक राजनीति है वो कहीं ना कहीं आपकी फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड करती है। नेक्स्ट पॉइंट, इंडियन डायस्पोरा, भारत का जो प्रवासी भारतीय रहते हैं विदेशों में, कुवैत, कतर, जो अरब कंट्रीज हैं वहाँ पर, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स, तो रेमिटेंस आप समझते हो, जो प्रेषित धन होता है, इंडिया लार्जेस्ट रिसीवर है, दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रेषित धन किस कंट्री के पास वापस आते हैं, इंडिया के पास। तो इंडिया की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई हमारा डायस्पोरा, हमारे प्रवासी भारतीय जिस कंट्री में रह रहे हैं उनके इंटरेस्ट का हम ध्यान दें, ठीक है। तो फॉरेन पॉलिसी इस चीज़ को भी ध्यान में देके बनती है। तो हमारा डायस्पोरा आप लिख सकते हो, एग्जाम्पल देखिए करंट अफेयर्स का, समुद्र सेतु अभी पढ़ा था आपने, प्रीलिम्स में पढ़ा ही होगा, 5 कंट्रीज नेवी ने ऑपरेशन चलाया कि COVID-19 के टाइम पे जो हमारे इंडियंस यहाँ पर फंसे हुए हैं इनको वापस लाने के लिए, ऑपरेशन समुद्र सेतु, ठीक है, समुद्र सेतु यहाँ लिखा हुआ है। कुवैत का आपने मूवी देखी होगी एयरलिफ्ट, अक्षय कुमार की, तो वो भी क्या है, आपको डायस्पोरा को सेव करने की कोशिश ही तो कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो फॉरेन पॉलिसी कहीं ना कहीं इस पर भी डिसाइड करती है। H-1B वीज़ा, यहाँ पर अमेरिका को चेंज करता है तो इंडिया पूरी लॉबी लगा देता है अपनी कि भाई इस चीज़ को जो भी चेंजेस हमारे फेवर में करो। ये क्या है, फॉरेन पॉलिसी को क्या डिसाइड कर रहा है हमारा डायस्पोरा, ठीक है, हमारे जो प्रवासी भारतीय हैं। नेहरू के पंचशील हैं, 5 प्रिंसिपल्स हैं, यूनिवर्सल पीस होना चाहिए, ऐसे कर करके 5 प्रिंसिपल्स हैं, वो डिसाइड करते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, ठीक है। ग्लोबल लेवल पर जो पावर स्ट्रगल होता है ना, वो भी डिसाइड करेगा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी होती है। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी को डायनेमिक बनाता है, डायनेमिक मतलब समय के साथ चेंज हो सके, जो जैसे समय उस तरीके से हम काम करें, ठीक है। जैसे इंडिया ने अभी क्वाड बनाया, क्वाड्रिलेटरल मतलब 4, कौन 4, US, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये इन 4 कंट्रीज़ का इनिशिएटिव है, एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन बनाने की पहल है, क्या करना है, चाइना के खिलाफ बना रहे हैं लोग, ठीक है, क्वाड। तो ये क्या आप देख रहे हो, एक फॉरेन पॉलिसी का ही तो इम्प्लीमेंटेशन है ये, क्यों हो रहा है, क्योंकि ग्लोबल पावर स्ट्रगल इस तरीके से
चेंज हो रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट एक और है ज्योग्राफिकल लोकेशन। भाई आपकी कंट्री की लोकेशन ही ऐसी है तो आपकी फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड तो करेगा ही, है ना। अब ज्योग्राफी की लोकेशन ही है कि भूटान इस जगह पड़ा हुआ है, नेपाल ऐसी जगह पड़ा हुआ है कि इंडिया को कहीं ना कहीं उसको हमेशा राजी रखना बहुत ज़रूरी है अपने लिए। तिब्बत एक जगह थी जिसको बफर था हमारे इंडिया और चाइना के बीच में था, है ना। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हो कि ज्योग्राफिकल लोकेशन जो कंट्री की होती है वो भी डिसाइड करती है कि फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी। पाकिस्तान हमारे नेबर ना होता, कहीं और दूर होता, तो क्या हमारे लिए इतना बड़ा सरदर्द होता, या हम उसको उतनी प्रायोरिटी दे रहे होते हैं, नहीं दे रहे होते फॉरेन पॉलिसी में। तो आपकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो डिसाइड करती है। नेक्स्ट पॉइंट भी इससे जुड़ा हुआ है कि आपका नेबरहुड जो है, ज्योग्राफिकल लोकेशन से देखिए हमारे दो पॉलिसीज चल रही हैं, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और दूसरा एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपका जो नेबर है, नेबरिंग कंट्री, उसका एटीट्यूड कैसा है, वो आपके प्रति किस तरीके से बिहेव कर रहा है, ये भी डिसाइड करेगा कि आपकी फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी। पाकिस्तान का बिहेवियर क्या निकला, बालाकोट में आपने देखा, ठीक है, उरी देखा, तो ये क्या था, उसने अटैक किया, तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या बनी, सर्जिकल स्ट्राइक। तो आप ये देख रहे हो कि जैसा वो बिहेव कर रहा है आपके साथ, जैसा उसका एटीट्यूड है, उसके हिसाब से आपकी फॉरेन पॉलिसी, आपकी जो विदेश नीति है, उसमें कुछ परिवर्तन होंगे। सेम हियर विद चाइना। तो ये थे कुछ फैक्टर्स जो हमारी फॉरेन पॉलिसी को डिटरमाइन कर रहे हैं, ठीक है, डिटरमाइन निर्धारक होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर एक बार और देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंडाई फ्रेमवर्क क्या है भाई, सेंडाई फ्रेमवर्क है क्या और ये किस तरीके से पहले के फ्रेमवर्क से अलग है। आगे बढ़ते हैं सेंडाई की डेफिनेशन के साथ। सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, वर्ड पे ध्यान दीजिए, डिजास्टर का रिस्क जो है उसको रिड्यूस करना है, यही तो है। जो भी आपदा होती है, अर्थक्वेक हो गया, भूकंप आ गया, उससे कुछ डिजास्टर, ये जो है इससे कुछ रिस्क होता है और इसको हमको रिड्यूस करना है। इसी का जो प्लान है, इसी के लिए जो प्लान बनाया जा रहा है ग्लोबल लेवल पे, उसको हमने क्या नाम दिया, सेंडाई का फ्रेमवर्क। सेंडाई कहाँ है, जापान में एक जगह है, ठीक है, क्लियर हुआ। सेंडाई जापान की जो जगह है, वहाँ पर हमने मिलके एक फ्रेमवर्क बनाया, किस लिए बनाया, डिजास्टर के रिस्क को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। यही है डेफिनेशन कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए 2015 में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर तीसरे विश्व सम्मेलन में अपनाया गया था क्या, सेंडाई फ्रेमवर्क, ठीक है। एक ऑर्गेनाइज, एक कॉन्फ्रेंस होती है, सम्मेलन होता है, जिसका नाम है वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन DRR, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ठीक है। यही जो तीसरी कॉन्फ्रेंस हुई थी 2015 में, इसी में हमने सेंडाई फ्रेमवर्क को अपनाया था। यही है भाई, यही है डेफिनेशन, ठीक। अब आपको समझ आएगा सेंडाई फ्रेमवर्क है क्या। बेसिकली कुछ रूल्स होंगे, कुछ आपसी एग्रीमेंट होंगे, ठीक है, आपसी समझ, एक सम्मेलन में कुछ समझ निकली, हमने सब एक दूसरे पर राजी हुए, इसी का नाम दिया सेंडाई फ्रेमवर्क, क्योंकि कहाँ हो रहा था, जापान सेंडाई में 2015 में हुआ। इसका उद्देश्य क्या है, प्राइमरी एम क्या है, प्राथमिक उद्देश्य क्या है, आपदाओं से होने वाले जोखिम और नुकसान को कम करना, अभी जो हमने बात की, क्या करना है, प्राइमरी एम क्या है, रिड्यूस रिस्क एंड लॉसेस कॉज्ड बाय डिजास्टर्स। ये 15 ईयर्स का प्लान है, 15 साल का चलेगा, मैंने बताया 15 में शुरू हुआ 2015, तो 15 साल जोड़ लो, 2015 से 2030 हमने पढ़ लिया भाई, है क्या, कब तक चलेगा, कब शुरू हुआ, कौन इम्प्लीमेंट करता है, किसने शुरू किया, या अभी आगे इम्प्लीमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या चेंज करना है, कौन देखेगा। यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, UNISDR, ठीक है, ये है एक बॉडी, ये आप देख लीजिएगा, हिंदी वाले भाई लोग पढ़ लिया हमने। ऑब्जेक्टिव इसके देखते हैं, इसके क्या उद्देश्य हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये गोल्स याद रखना है आपको। जब भी सेंडाई का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में आपसे डायरेक्टली पूछे जाए ना पूछे, आपको ये बना देना है। अभी मैंने यहाँ लिख के समझाया, आप ऐसा करना, यहाँ पे सेंडाई फ्रेमवर्क ऐसा लिखो और ऐसे ऐसे बना दो मेंस में, यहाँ पे एक एक पॉइंट लिख दो, एक डायग्राम भी आपका तैयार हो गया और आपने अपना ज्ञान भी वहाँ पे उड़ेल दिया,
ठीक है, पॉइंट्स देखते हैं। शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग द शेयर होल्डर, हितधारकों के बीच जिम्मेदारी को साझा करना, मतलब क्या है इसका? हितधारक क्या होते हैं यार, स्टेक होल्डर्स क्या हैं? किसी भी जगह पे लैंडस्लाइड होता है, मान लो अर्थक्वेक आता है, यहाँ पे स्टेक होल्डर्स कौन कौन हुआ? वहाँ की गवर्नमेंट तो हुई ही, जो लोग इफेक्ट हो रहे हैं वो भी तो हुए, लोकल्स हुए, NDRF की टीम हुई, SDRF की टीम हुई, ठीक है, ये क्या हैं? और भी लोकल लोग हैं, लीडर्स हैं वहाँ के, सिविल सोसाइटीज़ हैं, NGOs हैं, ये क्या है वहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं। सो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के बीच में जिम्मेदारी का जो है वो साझा करना होगा। पहले क्या अप्रोच थी, यही देखिए सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, उसको मैं बता रहा हूँ। पहले अप्रोच क्या थी कि जो स्टेट है ना, देश जो है वही पूरी व्यवस्था करेगा। अब वो ये क्या कह रहा है कि आपदा से आप अकेले नहीं लड़ सकते, एक तो आपको डिफरेंट कंट्रीज़ को भी साथ में लाना पड़ेगा। भाई सुनामी जो है, सुनामी आप अकेले नहीं लड़ सकते ना, आपको ग्लोबल कोऑपरेशन चाहिए, ग्लोबल कोऑपरेशन। अगर पैसिफिक में कहीं तूफान आया, पैसिफिक में सुनामी की शुरुआत हुई, तो कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि इंडिया तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचा दी जाए कि भाई जो पैसिफिक कोस्ट है वहाँ पर एक सुनामी की शुरुआत हुई है। तो पहला काम तो यही करना है कि आपको साझा करना है सारे स्टेक होल्डर्स के बीच में, वो ग्लोबल लेवल पे डिफरेंट कंट्रीज़ करेंगी, और कंट्री लेवल पे, कंट्री के लेवल पे लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट आपस में करेंगी। ये पहला पॉइंट का मतलब था। अब इसके कुछ गोल्स हैं वो पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। आपदा द्वारा जितने लोग की मृत्यु होती है उसके नंबर्स को कम करना है 2030 तक। देखिए एग्जैक्ट डेटा नहीं याद रखना है, बस याद रखिए क्या क्या चीज़ कम करनी है और क्या बढ़ानी है। कुछ चीज़ें हमें माइनस करना है, ऐसे याद रखेंगे तो याद हो जाएगा, कुछ चीज़ें प्लस करना है। माइनस मतलब घटाना है क्या, प्लस मतलब क्या बढ़ाना है, माइनस देखते हैं। मृत्यु दर कम करनी है, जितने भी लोग हर साल किसी भी आपदा में मरते हैं उसको कम करना है, डिजास्टर में मरने वालों की मोर्टैलिटी कम करनी है। रिड्यूस करना है, फिर से निगेटिव, क्या कम करना है, नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड, जो लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं उसको भी कम करना है। तीसरा फिर से रिड्यूस, फिर से कम ही करना है, क्या कम करना है, इकोनॉमिक लॉस जो हो रहा है, आर्थिक जो नुकसान हो रहा है GDP को, उसको भी कम करना है। तो तीन पॉइंट हमने पढ़े निगेटिव के, क्या पहला ख़त्म करना था, जितने लोग मर रहे हैं उनको कम करो, जितने लोग इसकी वजह से प्रभावित हो रहे हैं उनको कम करो, तीसरा GDP पे जो गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है निगेटिव उसको कम करो, चौथा फिर से रिड्यूस वाला है। चार पॉइंट कमी वाले हैं, क्या, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे टेलीफोन है, कम्युनिकेशन है, हेल्थ है, हॉस्पिटल्स वगैरह, ये क्या है, किसी भी आपदा में ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ही तो है, ठीक है, महत्वपूर्ण अवसंरचना है, इनकी क्षति जो होती है किसी भी डिजास्टर में उसको आपको कम करना है, ठीक है। अब मैंने बताया था कुछ कम करना है, कुछ बढ़ाना है, बढ़ाना क्या है, कम करने वाले चार गोल्स हैं, बढ़ाना क्या है, पहला आ गया इंक्रीज द नंबर ऑफ कंट्रीज, इन पहला प्लस में इंक्रीज द नंबर ऑफ कंट्रीज विद नेशनल एंड लोकल डिजास्टर रिडक्शन स्ट्रेटजीज, 2030 तक राष्ट्रीय और स्थानीय आपदा जोखिम को न्यूनीकरण करने वाली रणनीति वाले कंट्रीज को बढ़ाना, मतलब नंबर ऑफ कंट्रीज को बढ़ाइए जिनके पास खुद का आपदा से नियंत्रण करने का जो भी प्लान है वो तैयार है। मतलब सीधा सीधा ये कहना चाह रहा है कि डिफरेंट कंट्रीज़ को प्रमोट करो कि उनके पास अपना खुद का प्लान हो डिजास्टर के रिस्क को रिड्यूस करने का, सिंपल बात। और कुछ बढ़ाने को कह रहा है पॉजिटिव में, और क्या कह रहा है, इन्हेंस इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इंटरनेशनल पर्याप्त और सतत समर्थन के द्वारा माध्यम से विकासशील देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना है, मतलब फिर से बढ़ाना है। पहला बढ़ाना क्या था, पहला बढ़ाना था कि ऐसी कंट्रीज़ के नंबर बढ़ाई जिनके पास अपना डिजास्टर के लिए प्लान है। दूसरा प्लान, दूसरा पॉइंट क्या है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए डेवलप्ड कंट्रीज़ के द्वारा सपोर्ट को बढ़ाओ। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, फिर से बढ़ाना है, क्या बढ़ाना है, मल्टी हजार्ड्स जो होते हैं, ऐसे जोखिम जो बहुत सारे जोखिम्स होते हैं उनके लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम कि पहले से आपको पता चल जाए, ठीक है। तो हमने पढ़ा भाई 7 गोल्स, 3 घटाओ, माइनस वाले कितने थे 4, बढ़ाओ कितने थे 3, इस तरीके से याद रखिए, 4 3 7 आपको संडाई हमेशा याद रहेगा। किसी भी क्वेश्चन में डिजास्टर मैनेजमेंट की ज़रूर लिखो, 2015 से 2030 तक वैलिड है ना, तो इतने साल के मेंस में तो लिख ही सकते हो। अब आगे देखते हैं, इसने बताया कि किसी भी डिजास्टर को, डिजास्टर के रिस्क को रिड्यूस करने के लिए, डिजास्टर के द्वारा जो भी हानि हो रही है उसको कम करने के लिए
चार प्रायोरिटी एरिया होते हैं, मतलब चार प्राथमिक क्षेत्र होते हैं। कैसे सोचना है आपको वो बताता है कि पहले आपदा जोखिम को समझना है, आप अंडरस्टैंड करो कि ये जो भी अर्थक्वेक है ये सुनामी, इससे कितना जोखिम हो सकता है, तो इसको समझो, समझोगे तो ही एक्ट कर पाओगे आप, पहला पॉइंट। दूसरा, स्ट्रेंथनिंग द गवर्नेंस। अब आप समझ लिया है आपने उसको कि भाई ये कमी है, तो आपको ये भी समझ में आया होगा कि हमारी कंट्री में इस चीज़ से लड़ने के लिए कहाँ कहाँ पे कमी है, तो यानी कि कुछ गवर्नेंस है, ठीक है, गवर्नेंस पे कमियाँ हैं उसको सुधारो। पॉइंट वन हो गया, पॉइंट टू हो गया, पॉइंट थ्री क्या करा, गवर्नेंस की कमी कैसे ख़त्म होगी, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो इसने तीसरा पॉइंट क्या बोला है कि आपदा जोखिम प्रबंधन में निवेश करो, इन्वेस्टमेंट करो। चौथा पॉइंट भी इसी से रिलेटेड है, जब आप आइडेंटिफाई कर लोगे, उसके बाद पहले उसको अंडरस्टैंड करोगे, उसके बाद गवर्नेंस पे काम करोगे, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे, तो आप क्या कर रहे हो, आपने डिजास्टर की प्रिपेयर्डनेस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस उसको आप स्ट्रांग करोगे, मतलब उस जोखिम के प्रति लड़ने के लिए आप अपने आप को क्या कर रहे हो, स्ट्रांग कर रहे हो। फोर्थ पॉइंट यही है कि इससे आपका क्या, एक वर्ड यूज़ करते हैं कि आप अच्छे से क्या कर सकते हो, रिहैबिलिटेशन हो सकता है, पुनर्वास हो सकता है, पुनर्निर्माण की प्रक्रिया तेज़ी से हो सकती है, ठीक है। तो ये होगा क्या, फोर्थ पॉइंट के थ्रू। एक पॉइंट होता है बिल्ड बैक बेटर, क्या होता है, बिल्ड बैक बेटर, BBB, डिजास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चन में ज़रूर यूज़ करिए इस वर्ड को। बेसिकली होता क्या, बहुत सिंपल चीज़ है यार, कि कभी कोई डिजास्टर हो गया तो आप कितना जल्दी बिल्ड बैक बेटर हो जा रहे हो, कितना जल्दी फिर से पुरानी स्थिति में लौट आ रहे हो, कितना जल्दी बिल्ड बैक बेटर, ठीक है, कितनी जल्दी आप इसके निगेटिव इम्पैक्ट, डिजास्टर के निगेटिव इम्पैक्ट से ऊपर उठ के फिर से पुरानी स्थिति में लौट आते हो, फिर से आप अपनी पुरानी लाइफस्टाइल जीने लग रहे हो, मतलब आप कितने जल्दी उस निगेटिव इम्पैक्ट को छोड़ पा रहे हो, उससे उभर पा रहे हो, इसी को कहते हैं बिल्ड बैक बेटर, ठीक है। तो ये होंगे चार प्रायोरिटी एरियाज। फिर सेंडवाई फ्रेमवर्क जो है, उससे पहले 2005 से 15 तक एक था ह्योगो फ्रेमवर्क, ठीक है, ह्योगो फ्रेमवर्क। तो ह्योगो फ्रेमवर्क के बाद सेंडाई आया था, 2015 में ह्योगो ख़त्म होता है, सेंडाई आता है 2015 से 30 के लिए, यही है इससे पहले का जो प्रोविज़न चलता था। ह्योगो फ्रेमवर्क ना वो भी इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करता था, लेकिन वो थोड़ा लिमिटेड था, मतलब इतना ब्रॉड नहीं था। ब्रॉड कैसे नहीं था, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हमें लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस इंटरनेशनल, चारों लेवल पे प्लान्स बना रहे हैं, चारों लेवल पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, चारों लेवल पे उसको रिव्यू कर रहे हैं, है ना। तो ये हम क्या कर रहे हैं, ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत ही ज़्यादा, जो आपको ब्रॉड कहाँ दिख रहा है वो सेंडाई में दिख रहा है, वो ह्योगो में नहीं था। यहाँ पे आप देख रहे हो कि स्टेट हैज़ प्राइमरी रोल टू रिड्यूस डिजास्टर्स, कि मतलब राज्य का ही प्राथमिक ये काम किसका है, डिजास्टर को कम करना, ये राज्य का काम है, परंतु अन्य भागीदारों द्वारा जिम्मेदारी को साझा करने की भी ज़रूरत है। ये है सेंडाई, कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट तो है ही, लेकिन जो और भागीदार हैं, NGO, वहाँ के लोकल लोग, ठीक है, NDRF, SDRF और ये सब सारी बॉडीज़ जो हैं, ठीक है, इनका भी भागीदारी बहुत ज़रूरी है। ये सेंडाई का रोल है, सेंडाई प्लानिंग लेवल पे और इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे भी बात करता है, कि लोकल गवर्नमेंट से लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट तक आप प्लान भी करो, इम्प्लीमेंट भी करो, ठीक है। तो ये आप एक तरीके से देख रहे हो कि ह्योगो से जो ब्रॉड है, बहुत ब्रॉड है और कॉम्प्रिहेंसिव है, क्या, सेंडाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, एथिक्स। मैंने कल बताया था कि हमारे जो सिलेबस है, हम सिलेबस वाइज क्वेश्चंस कई सारे कर रहे हैं, एथिक्स के क्वेश्चंस आगे आने वाले कई सालों तक वही रहने वाले हैं, जो सिलेबस पे एकदम बेस्ड रहने वाले हैं, सिलेबस पे, ठीक है। तो हमने इससे पहले क्या क्या क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, हमने पढ़ा है मूल्य क्या होते हैं, हमने एक बार पढ़ लिया, ठीक है, हमने कल या परसों में पढ़ा था अखंडता क्या होती है, अखंडता। दूसरा क्या पढ़ा है, मूल्य क्या होते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको नोलन कमेटी के बारे में कुछ बताया था हल्का फुल्का, आज इसी से बना के एक सवाल आ गया कि भाई
कोई चार मूल्य बताइए जो आपके हिसाब से एक सिविल सर्वेंट में जरूर होना चाहिए। कोई कुछ फोर वैल्यूज ऐसे बताइए विच अ सिविल सर्वेंट मस्ट हैव, ठीक है, एंड वाई सो, आपको क्यों लगता है ऐसा। यही है हमेशा के तरीके से एथिक्स में डेफिनेशन से शुरू करो यार, कि वैल्यूज आर स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर, हमने पढ़ा है सेम डेफिनेशन, एक डेफिनेशन हटना है वही लिखना है, ठीक है, कि वैल्यूज़ क्या है, हमारे बिहेवियर के स्टैंडर्ड हैं। समझाया था कि हम क्या बिहेव करेंगे, हम ऑनेस्ट बिहेव करेंगे, हमारा एक्शन क्या होना चाहिए, वो ऑनेस्ट होना चाहिए। तो एक्शन का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। स्टैंडर्ड ही तो सेट कर रहा है कि भाई तुम्हारा एक्शन स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, ऑनेस्टी। तुम्हारी बोली में क्या होना चाहिए, ट्रुथ। तो ये जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं, आपके एक्शन का स्टैंडर्ड, आपके बिहेवियर का क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, यही तो सेट कर रहे हैं। तो वैल्यूज़ क्या है हमारी, स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर। दूसरा क्या है, ये हमारी बिलीफ्स हैं, हम जो चीज़ को सच मानते हैं उसको हम अपने लिए वैल्यूएबल मानते हैं, ये हमारी एक बिलीफ है, ठीक है। तो वैल्यूज़, अब आपने देखा कि स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर अगर वो चीज़ है हमारे लिए और वो मेरी बिलीफ है, तो कहीं ना कहीं वो मेरे एक्शन को क्या करेगी, मोटिवेट करेगी, मुझे प्रेरित करेगा उस एक्शन को लेने के लिए। तो इस तरीके से वैल्यूज़ जो होते हैं, जो मूल्य होते हैं, हमारे एक्शन को निर्धारित भी करते हैं और हमें प्रेरित भी करते हैं, ठीक है। ये हो गया डेफिनेशन, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में मैंने बोला कि एक सिविल सेवक के लिए, एक सिविल सर्वेंट के लिए मोस्ट क्रूशियल, सबसे महत्वपूर्ण मूल्य वही होने चाहिए जो उन्हें सार्वजनिक सेवा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करें। जो पब्लिक सर्विस के आपके गोल्स हैं ना, पब्लिक सर्विस के गोल्स आपके लिए बनाए गए हैं कि भाई पावर्टी को ख़त्म करना है, हर जो आदमी वल्नरेबल है उसके लिए आपको खड़ा होना है ना, आपको इंक्लूसिव इंडिया बनाना है। तो ये पब्लिक सर्विस के गोल्स हैं, इंक्लूसिव इंडिया की तरफ बढ़ना है ना, कास्ट सिस्टम को कमज़ोर करना है, या इसका डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए। कास्ट एक आइडेंटिटी बन के रह जाए तो ठीक है, लेकिन भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ऐसे जो आपकी पब्लिक सर्विस के गोल्स हैं, पब्लिक सर्विस के गोल हैं किसके, एक सिविल सर्वेंट के, इनको प्राप्त करने में जो भी वैल्यू, जो भी मूल्य इनकी मदद करेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, हमारे हिसाब से भाई वही चार मूल्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। ये हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि नोलन कमेटी बनाई गई थी यूके में, नोलन ये लिखा है, नोलन समिति, नोलन कमेटी यूके में बनाई गई थी। इसने बताया कि सात ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, सात सिद्धांत हैं जिन, जो एक सिविल सर्वेंट की लाइफ को क्या करते हैं, गाइड करते हैं, ठीक है। उस सात में से कोई चार उठा लो आप, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। सात आज के आज बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इस पर एक डायरेक्ट सवाल भी बन सकता है, नोलन कमेटी की रिकमेंडेशन में कौन कौन सी वैल्यूज़ थी, इनका नाम बताइए और किसी तीन के बारे में, चार के बारे में बताइए, या नोलन कमेटी की रिकमेंडेशन क्या थी या क्या वैल्यूज़ थी और आपको क्यों लगता है कि ये सिविल सर्वेंट की लाइफ में होनी चाहिए। इस तरीके सवाल कोई भी बन सकता है, ठीक है, पढ़ते हैं। सात हैं, पहला क्या है, सेल्फलेसनेस, दूसरा ओपननेस, ठीक है, स्पष्ट होना चाहिए वो आदमी, ओपननेस होनी चाहिए उसके अंदर, कहे कुछ, करे कुछ और, कहे कुछ और, ये सब नहीं, स्पष्ट तरीके से काम करे, स्पष्ट तरीके से दिखे। ऑब्जेक्टिविटी मतलब निष्पक्ष हो वो आदमी, ठीक है। चौथा ऑनेस्टी, ईमानदार हो। पांचवा अकाउंटेबिलिटी, उसके अंदर क्या होना चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए। छठवां लीडरशिप। सातवां इंटीग्रिटी, अखंडता। आपको लग रहा होगा याद कैसे होगा, मैं बताता हूँ, देखो यार एक ट्रिक बनाई है, वही देख लो, सुहा लिखा याद है, सैफ अली की बहन है शायद, तो उस तरीके से कुछ है, सुहाली याद हो तो ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, सेल्फलेसनेस, ओपननेस, ऑब्जेक्टिविटी, ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी, लीडरशिप, इंटीग्रिटी। एक बार लिखिएगा याद हो जाएगा, सुहाली खान, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है कोई चार इसमें से उठा लीजिए जो आपको ठीक लगे। मेरे हिसाब से इंटीग्रिटी होनी चाहिए, अखंडता होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी निष्पक्षता होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही होनी चाहिए, चौथा लीडरशिप, एक लीडर बंदा होना चाहिए सिविल सर्वेंट, ठीक है। सबके बारे में क्वेश्चन पूछा है क्यों, तो क्यों में आप लिखोगे इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या होती है, अखंडता, मतलब आप जो कहते हो वो करते हो, तो एक कोहरेंस है, कोहरेंस बिटवीन वर्ड्स
और एक्शन, आपके कथनी और करनी में सामंजस्य है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है, साउंडनेस ऑफ मॉरल कैरेक्टर। आपका मॉरल जो कैरेक्टर है वो बहुत साउंड है, मतलब उसमें कोई दाग नहीं है। आपका जो भी मॉरल कैरेक्टर है ना वो बहुत ही साउंड है, साउंडनेस, ठीक है। अनकरप्टिवनेस, किसी भी तरीके की करप्शन नहीं है आपके अंदर, आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बचते हो, ठीक है। मैंने अरुण जेटली जी का एग्जांपल वोडाफोन केस का दिया था। तो इंटीग्रिटी होनी चाहिए मेरे अंदर, या जो भी सिविल सर्वेंट बनना चाहता है, पहला पॉइंट। क्यों? क्योंकि उसके सारे पॉइंट आपने बताए। अब यहाँ पे देखोगे आप, एक सिविल सर्वेंट होगा जब उसके अंदर इंटीग्रिटी होगी तो हाईएस्ट मॉरल कैरेक्टर जो उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है ना, उससे जो भी अपेक्षित है वो मॉरल कैरेक्टर उस आदमी द्वारा दिखाया जाएगा। अशोक खेमका जी थे, 53 ट्रांसफर्स, ठीक है। इसके अलावा आपको देखने को मिल जाएंगे एस मंजूनाथ, अपने बात पे अडिग और करप्शन को बिल्कुल नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। तो यही तो है इंटीग्रिटी, अखंड, कि मेरी जो वैल्यू है ना उसके लिए मैं हमेशा खड़ा हूँ, यही है अखंडता। तो जान भी चली गई उनकी, लेकिन ही स्टूड फॉर हिज वैल्यूज़, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया कि अगर जो ऐसा आदमी रहेगा वो विदाउट फियर और फेवर वो काम करेगा। तो ये इसलिए अखंडता मेरे हिसाब से एक सिविल सर्वेंट में होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, जवाबदेही। ये जवाबदेही होनी चाहिए उस आदमी की। एक बहुत फेमस ये है कि अथॉरिटी माइनस अकाउंटेबिलिटी इज इक्वल टू करप्शन। आपको मैंने खूब सारा पावर दे दिया लेकिन कोई जवाबदेही है ही नहीं, तो आपको क्या करेंगे आप, करप्शन, उसका मिसयूज़ करेंगे उस पावर का और करप्शन होगा। ठीक है, यहाँ लिखा है कि अधिकार में से अगर जवाबदेही को घटा दिया जाए तो भ्रष्टाचार बन जाता है। इसको आप ड्रॉ कर सकते हो मेंस में इसी तरीके से, ठीक है। ए माइनस ए इज इक्वल टू सी, इसलिए जवाबदेही बहुत ज़रूरी है। अब जवाबदेही दो तरीके की हो सकती है, अकाउंटेबिलिटी दो तरीके की, इंटरनल एक्सटर्नल, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक कैसी भाई, मेरे अंदर एक अंतरात्मा है, मैं कुछ भी गलत करने जाऊंगा तो कहीं ना कहीं उसको हम कहते हैं क्राइसिस ऑफ कंसाइंस, अंतरात्मा का संकट हो जाता है कि हमारा दिल नहीं मानता कि हम क्यों करने जा रहे हैं ऐसा। तो जवाबदेही हमारी खुद के प्रति होनी चाहिए। मेरे अगर कुछ मॉरल वैल्यूज़ हैं मेरे अंदर, मैं खुद कुछ मानता हूँ, अगर किसी वैल्यू को, किसी मूल्य को मानता हूँ, उसके खिलाफ जाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरी अंतरात्मा गवाही नहीं देगी, है ना, उससे तैयार नहीं होगी। तो मेरे को जो मेरी जवाबदेही है इंटरनल या आंतरिक, वो किसके प्रति होनी चाहिए, मेरे अंतरात्मा, ए अंतरात्मा के प्रति। एक्सटर्नल तो आपको पता ही होगा, एक सिविल सर्वेंट के एक्सटर्नल क्या है, सोशल ऑडिट होगा तो लोगों को जवाब देना पड़ेगा, बाकी गवर्नमेंट तो है ही उनसे जवाब मांगने के लिए, है ना। तो इस तरीके से आप देख रहे हो दो तरीके की जवाबदेही हो सकती है किसी भी सिविल सर्वेंट की। तो यहाँ पर लिखा है मैंने, आंतरिक जवाबदेही इंसान को अपने अंतरात्मा के प्रति ईमानदार बनाएगी, वहीं बाह्य जवाबदेही यानी बाहरी जवाबदेही, बाहरी अकाउंटेबिलिटी उसे समाज और सरकार के प्रति ईमानदार बनाएगी। इसलिए मेरे हिसाब से अकाउंटेबिलिटी भी ज़रूरी है। तीसरा, ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता या निष्पक्षता, आप निष्पक्ष होकर काम करोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 साल में सरकारें जाती हैं, अगर आप हर पाँच साल में आपका व्यू चेंज होने लग जाए, आप एक सरकार में मतलब आप चाटुकारिता अगर करने लग जाओ तो ऐसे केस में आप पब्लिक सर्विस तो नहीं कर पाओगे। तो आपके अंदर निष्पक्षता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। वस्तुनिष्ठ जब मैं कहता हूँ तो इसका क्या मतलब है, ऑब्जेक्टिविटी का क्या मतलब है, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये कि आप मेरिट बेसिस पे काम करो, जो चीज़ सही है वो किसी की भी सरकार रहे सही होगी, है ना। तो इस तरीके से आप मेरिट के बेसिस पे काम करो, मेरिट बेसिस पे अगर आप काम करोगे मतलब क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव है इस बेसिस पे काम करो, आप फैक्ट के बेसिस पे काम करो, इन चीज़ों के बेसिस पे काम करो। आप अवॉइड करो क्या पार्टीशनशिप, मतलब आप पार्टी पॉलिटिक्स में मत पड़ो, आप कास्ट, क्लास, जेंडर या इन सब चीज़ों को देख करके डिसीजन मत लो, आप सच में देखो रूल्स क्या कह रहे हैं, आप ये देखो कि ऑब्जेक्टिवली निष्पक्ष रूप से क्या डिसीजन लेना चाहिए, ये होता है सिविल सर्वेंट। तो इसलिए वस्तुनिष्ठता की ज़रूरत है। पढ़ते हैं, आप पूर्वाग्रह से मुक्त होकर
जाति, वर्ग, धर्म आदि पर विचार आपको नहीं करना चाहिए। आपको वस्तुनिष्ठ होना चाहिए और एक गैर विरोधी व्यक्ति होनी चाहिए, मतलब एक नॉन पार्टीजन पर्सन होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा एक ट्रांसलेशन को। नॉन पार्टीजन पर्सन मतलब आप किसी की पार्टी वाली साइड नहीं लोगे। पार्टीजन का मतलब सिर्फ नहीं कि पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, पार्टीसन का यहाँ जो वर्ड मिला लिखा हो, नॉन पार्टीजन मतलब आप कोई दो ग्रुप्स हैं तो किसी की साइड नहीं लोगे, ये है नॉन पार्टीजन बंदा। ठीक है, कि मतलब आप किसी एक पक्ष में झुके बिना एक मेरिट के बेसिस पे कि क्या सही है क्या गलत है, फैक्ट के बेसिस पे डिसीजन लोगे, ये होता है नॉन पार्टीजन आदमी। ठीक है, इसलिए ऑब्जेक्टिविटी या वस्तुनिष्ठता या निष्पक्षता होती है। लास्ट पॉइंट लीडरशिप, मैंने बताया लीडरशिप ज़रूर होनी चाहिए। लीडरशिप होती क्या यार, लीडरशिप का सिंपल डेफिनेशन जो मैंने बोला कि ऑर्गेनाइजिंग पीपल प्लस रिसोर्सेज फॉर व्हाट टू अटेन गोल। आपका काम क्या है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको गोल कोई कंप्लीट करना है तो आप एक ऑर्गेनाइजेशन में पीपल को ही तो मैनेज कर रहे हो, पीपल प्लस रिसोर्स को ही आप मैनेज कर रहे हो। आप इस डेफिनेशन को सोचना, यही है लीडरशिप। आप पीपल और रिसोर्स को मैनेज करते हुए कोई भी अपने गोल को प्राप्त कर लो तो यही होती है आपकी लीडरशिप। अब एक सिविल सर्वेंट के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, अब जब भी कोई डिसीजन लेते हो तो जितने भी स्टेक होल्डर होते हैं जिनको भी किसी भी डिसीजन से कोई फ़र्क पड़ता है वो होते हैं स्टेक होल्डर। मैं समझा देता हूँ आपको, जैसे मान लीजिए कहीं से कोई हाईवे जाना है तो यहाँ पे स्टेक होल्डर कौन कौन है, जो भी कभी फ्यूचर में इसको यूज़ करने वाले हैं वो लोग तो हैं ही, गवर्नमेंट तो है ही, गवर्नमेंट बना रही है, जिसकी जिसकी ज़मीन जा रही है वो भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं, है ना। यहाँ पे अगर कोई जंगल काटा जा रहा है तो एनजीओ वाले भी लोग आ जाएंगे, सिविल सोसाइटी आ जाएंगी, तो ये सारे लोग स्टेक होल्डर हैं। तो क्वेश्चन या डेमोक्रेसी अच्छी यही होती है जो सारे स्टेक होल्डर्स को एक साथ कॉन्फिडेंस में लेकर चले, तभी तो पार्टिसिपेशन बढ़ा, तभी तो भागीदारी बढ़ी। तो लीडरशिप क्वालिटी आपकी तभी है, एक तरफा डिसीजन आप मत लो। आप इंक्लूसिव इंडिया बनाना चाहते हो ना भाई, है ना, तो अगर आपको इस तरीके का समावेशी भारत बनाना है जिसमें सबके, तो कमज़ोर से कमज़ोर आदमी उसके भी हितों की रक्षा हो सके, तो ऐसे में आपको इंक्लूसिव इंडिया के लिए एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो सारे स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेके चले, और ये काम लीडर ही कर सकता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा, सॉरी, एक सिविल सेवक को जनता के लिए समावेशी समाज बनाने के लिए एक नेता की तरह निर्णय लेने और सभी हितधारकों को एक साथ लेकर चलने की कला होनी चाहिए, उसके अंदर ये कला होनी चाहिए, उसको डिसीजिव होना चाहिए, उसको डिसीजन तो लेना ही है, प्लस इस डिसीजन को ऐसे नहीं लेना, एक तरफा नहीं होना चाहिए, इसमें ऑल स्टेक होल्डर इंक्लूड होने चाहिए। आप इसमें और बहुत सारे पॉइंट्स देख सकते हो, मैंने बस एक तरीका बताया है, और मैंने ये बताया कि इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ एक सिविल सर्वेंट के लिए हैं क्या। नोलन याद रखना यार, 7 वैल्यूज़ हैं, ये कोड क्या था, सुहाली, ठीक है ना, सुहाली, ये याद रखना, याद हो जाएगा। ठीक है, इस बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन आप सिविल सर्विसेज पे एथिक्स का, नीति का, नैतिकता और सिविल सर्विसेज, इसके सारे पॉइंट आप नोलन से लिख सकते हो। इसके अलावा आप और भी कई वैल्यूज़ जोड़ सकते हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।